नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे बैंक के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन में आने वाला बैंक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो फिफ्थ पोजीशन में आने वाला बैंक है। तो जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से लीडर आप सभी जानते हैं HDFC है, और उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा जो प्राइवेट बैंक है इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट वो है ICICI बैंक। थर्ड नंबर में आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक, एंड फोर्थ नंबर में आ जाता है एक्सिस बैंक। और उसके बाद जिस बैंक का नाम आ जाता है वो है इंदसिंद बैंक। तो आज मैं बात करूंगा इंदसिंद बैंक के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में इस बैंक से एक न्यूज आया था और उस न्यूज के कारण पूरा मार्केट में सिर्फ यही बैंक जबरदस्त गिरावट हुआ था। तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, अराउंड अराउंड 4.5% तक गिरावट देखने को मिला था। तो वो कौन सा कारण है, वो कौन सा रीजन है जिसके कारण इस तरीके से गिरावट हुआ, तो उस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हाँ अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों का चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक पिछले दिनों का चार्ट पैटर्न है आपको दिखाने के लिए, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न है, अराउंड अराउंड इंडसइंड बैंक का जो टोटली जो चार्ट पैटर्न है, आपको यहाँ पे 3% तक गिरावट देखने को मिलेगा। मगर आप टॉप लेवल से आप टू डाउन लेवल तक देखे तो अराउंड अराउंड यहाँ पे 7% तक गिर चुके थे, 7%। उसके बाद रिकवरी हुआ तो इसलिए मैं 4% तक आपको बोला, तो 4% तक गिरावट देखने को मिला प्रीवियस क्लोजिंग से। तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, और इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है बैंक का फ्रॉड। तो बैंक का जो कोई मतलब फ्रॉड का न्यूज आ जाता है, बैंक का कोई अगर मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन का न्यूज आ जाता है, तो बैंक के लिए सिर्फ खराब न्यूज नहीं होते, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके ही निवेश करते हैं, उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके निवेश करते हैं। अगर उस कंपनी के ऊपर खराब न्यूज कंटिन्यूअसली आते रहे तो इन्वेस्टर उस कंपनी से दूर जाते रहेंगे और वो स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरते जाएंगे। तो यही एक मुद्दा है जिस मुद्दे के कारण स्टॉक मार्केट में इस तरीके से स्टॉक के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है। तो चलो कौन सा वो नेगेटिव पॉइंट्स आया, कौन सा वो फ्रॉड का न्यूज आया, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो देख लेते हैं उस न्यूज के बारे में। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, तो बहुत शानदार यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया, आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज पब्लिश आपको देखने को मिलेगा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं ईडी यहाँ पे देखिए प्रोबिंग सम यहाँ पे देखिए एंटिटीज। तो ईडी कौन है मैं अभी आपको बताऊंगा। ईडी यहाँ पे देखिए प्रोबिंग सम एंटिटीज एम्प्लॉइज ओवर यहाँ पे देखिए ई रेगुलेटरी मतलब ई रेगुलेटर्स जो सेज इन द सिन बैंक, मतलब ई रेगुलेटरी जो काम उसका एम्प्लॉइज ने जो किया उसके कारण बैंक के ऊपर पैसा देखने को मिला। देखिए कुछ चीज क्या होता है, कभी कभी बैंक का जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भी कुछ गलत काम कर देते हैं। तो बैंक का जो एम्प्लॉइज है वो भी कुछ गलत काम कर देते हैं, इसके लिए उसका मतलब भुगतान बैंक को करना पड़ता है। सिर्फ बैंक का नहीं, अगर कोई भी कंपनी का कर्मचारी, कोई हाई लेवल का कर्मचारी अगर इस तरीके से काम करे तो उसके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो अभी इस बैंक के बारे में क्या हुआ, चलो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर लीडर, तो ऑब्वियसली इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का टॉप 5 रैंकिंग में आ जाता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर लीडर इंडसइंड बैंक सेड ऑन वेडनेसडे, मतलब बैंक खुद बताया है, मतलब उसको किसी को बताने का जरूरत नहीं, बैंक खुद यहाँ पे रिपोर्ट किए थे। और एक एक्चुअली पुराना रिपोर्ट था, उसी रिपोर्ट को अभी फाइनलाइज हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेडनेसडे के दिन दैट द देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मतलब जो ईडी में पहले बताया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है हैज फेल्ड ए फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे देखिए अगेंस्ट क्रिटेंस मतलब एंटिटीज। तो जो इसका एम्प्लॉइज है यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग सम एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक ओवर अलोंग फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, मतलब जो फाइनेंशियल रिजल्ट है कंपनी के, जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसको कुछ कुछ खराब चीज किया, मतलब उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आए जिसके कारण बैंक के ऊपर एक फ्रॉड का आरोप लगाया गया। तो एक खुद मतलब बैंक के जो प्रॉब्लम्स हुआ, मतलब मान के चलिए मैं आपको एक एक क्लियर कर देता हूँ एक नया पेज लेके जाके। चलो यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल समझाता हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा।
मान के चलिए यहाँ पे बैंक है और बैंक का कुछ एम्प्लॉयज है, और एम्प्लॉयज का काम है, काम क्या है, बैंक का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, बैंक का जो बिजनेस है उसको संभालना। तो बैंक का जो मतलब हाई डिपार्टमेंट का जो मतलब एम्प्लॉयज होते हैं, जो मतलब इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो क्या किया, बैंक के ऊपर कुछ कुछ फ्रॉड मतलब अकाउंट्स के ऊपर कुछ फ्रॉड किया, मतलब बैंक के जो अकाउंट्स है उसको क्लियर नहीं किया, कुछ इधर उधर किया। तो उसी कारण बैंक के ऊपर जो पैसे, मान के चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपीज बैंक का एक ओवरऑल टोटल कैश होना चाहिए। उस कैश में, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे मत समझ लेना कि यही हुआ है, कि मान के चलिए बैंक के अंदर 100 रुपीज था, उस 100 रुपीज में बैंक को दिख रहा था 100 रुपीज था, मगर बैंक के जो खाते हैं उसमें दिख रहा है शायद शायद 90 रुपीज था। तो यही जो अंदर का जो मतलब यहाँ पे जो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो ये इधर उधर का बात बैंक को पता चला, जब बैंक का जो मतलब जो मैनेजिंग का जो हेड होते हैं, जो बैंक का जो ओनर होते हैं, उसको जब पता चला, वो खुद यहाँ पे रिपोर्ट किया मतलब ईडी के पास। तो ईडी ने जब इसके ऊपर इन्फॉर्मेंट जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जब खुद रिसर्च किया, तब पता चला कि इसका जो एम्प्लॉयज है उन्होंने ही गड़बड़ किया है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यही आप देख सकते हैं, जो एफआईआर मतलब एफआईआर किया था, डेटेड अब देखें 9 जुलाई 9 में एफआईआर किया था, और वो भी चेन्नई CCB1 पुलिस स्टेशन में, और इंडसइंड बैंक यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म एक्सचेंज ऑन वेडनेसडे, मतलब इंडसइंड बैंक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया था। इस तरीके से कुछ कुछ बातें चल रहा है, इस तरीके से कुछ नेगेटिविटी हुआ है, और उसका एम्प्लॉय मतलब किस कहाँ से हुआ उसके लिए वो मतलब ये किया था, एफआईआर किया था, मगर जब जब रिसर्च किया गया तो उसका एम्प्लॉय ने इस तरीके से काम किया। देखिए यही एक बड़ा बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कोई भी बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंक के अंदर जो काम हो रहा है वो आपको पता चलेगा न्यूज़ के माध्यम से ही, क्योंकि बैंक के अंदर जो एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। आप तो कंपनी के डिटेल्स देखकर, आपको परफॉर्मेंस देखकर ही, मतलब जो डेटा है उस डेटा को देखकर ही आप निवेश करते हैं। आप भी निवेश करते हैं, मैं भी निवेश करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को उतना मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं कि जाके खुद जाके डायरेक्टर के साथ बात करूँ, खुद जाके मैनेजमेंट के साथ बात करूँ, ऐसे भी नहीं नहीं हो जाते। फिर भी आप मैनेजमेंट के साथ बात भी कर लेंगे तो आपको कुछ डेटा दे देंगे, जिस डेटा से आपको लगेगा चलो कंपनी में ठीक ठाक हो रहा है, मगर अंदर में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए आपको इस तरीके से न्यूज देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में बैंक के अंदर क्या हो रहा है, कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है, उसके बेसिस से फ्यूचर में वो कंपनी क्या करेगा उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो अभी मेन पॉइंट जो है, क्या इस बैंक के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए मैं कुछ चीज इस बैंक के बारे में आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि इस बैंक में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए बैंक में कुछ खराबी नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि बैंक में खराबी हो गया, बैंक बहुत शानदार। आप देखेंगे बैंक का जो कासा रेशियो है अराउंड अराउंड 41% है, 41% से भी ज्यादा है कासा रेशियो में। बहुत बार बोल चुका हूँ, जो करंट अकाउंट होते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जिससे कंपनी को मतलब बैंकिंग को पैसा मिलता है, उसी पैसे को वो लोन के हिसाब से बांटते हैं और उसी पैसे से वो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे कासा रेशियो बहुत शानदार है, साथ ही साथ कंपनी का जो एनपीए है मुझे बहुत शानदार लगा, कंटिन्यूसली मेंटेन किया एनपीए, हमेशा मेंटेन किया, जबरदस्त मेंटेन किया। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा एनआईएम जो है, मतलब जो कंपनी का जो एनआईएम है वो भी आप देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे एक लेवल में देखने को मिला, थोड़ा सा हाई है एनआईएम, फिर भी कंपनी का एनआईएम अच्छा खासा लेवल में है। सीएआर परसेंटेज भी चलो थोड़ा सा हाई है, और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, क्योंकि 5% कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है कंपनी के पास, लाइबिलिटी 5%, 100 रुपीज में 5 रुपया उसको देना होगा, तो ये एक थोड़ा सा लाइबिलिटी ज्यादा मुझे दिख रहा है। तो पे रेशियो तो यहाँ पे नहीं है, तो कुछ डेटा यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिकेटर देता है। फिर भी इस कंपनी के बारे में बात कर दो, इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आ जाता है। कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया, कंपनी में ग्रोथ जबरदस्त है, कंपनी के पॉजिटिविटी जबरदस्त है। मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी खराब है, कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव में दिया, तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन करीबन 7% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ है इस कंपनी के ऊपर। 4,600 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी किया, और अराउंड अराउंड 16,200 करोड़ तक कंपनी ने टोटली प्रॉफिट किया, तो सॉरी कंपनी के हाथ में कैश है। तो कुछ चीज यहाँ पे पॉजिटिव आपको जरूर दिखेगा, कुछ चीज यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव नहीं वीक आपको दिखेगा। तो फिर भी इंडसइंड बैंक कोई खराब बैंक नहीं है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। फिर भी आप अगर अगर मुझे कहेंगे सर आप इस पांचों बैंक में, मगर आपको टॉप 5 जो बैंक है, आप टॉप 5 जो बैंक देखेंगे यहाँ पे, जो HDFC बैंक है, ICICI, कोटक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक, इस पांचों बैंक में आपको निवेश करना ही है
तो आप कौन सा बैंक को चूज करेंगे? ऑब्वियसली मैं दो बैंक को नाम जरूर लूंगा, पहला है HDFC और दूसरा है आपको कोटक बैंक। तो कोटक बैंक एंड HDFC बैंक, इस दोनों बैंक के नाम मैं जरूर लूंगा क्योंकि इस दोनों बैंक का परफॉर्मेंस मुझे जबरदस्त लगते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। तो आप, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप इंडसइंड बैंक को बेच दीजिएगा और कोटक और HDFC में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास कोटक बैंक भी मतलब इंडसइंड बैंक भी है, वो कोई खराब नहीं है, मगर हाँ स्लो चलते हैं इस कंपेरिजन टू दिस बैंक। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और चार्ट पैटर्न भी इस कंपनी के ऊपर देख लेना। तो आपको अभी तक कंपनी का उतना शानदार चार्ट पैटर्न मुझे नहीं देखा, लॉकडाउन के बाद, यहाँ पे जो लॉकडाउन पीरियड आया था उसके बाद भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।